स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है, मार्शल लॉ से आप क्या समझते हैं? ओके, तो मार्शल लॉ कब लगता है? देश में जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और सरकार को लगता है कि मैं अपने देश को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तब सरकार क्या करती है? मार्शल लॉ लगा देती है। पोलैंड का कहानी अगर आप लोग पढ़े होंगे, 9th का ही है, तो पोलैंड वाली कहानी में हम लोग देखे थे कि पोलैंड देश की सरकार ने 1981 में क्या कर दिया था, मार्शल लॉ लागू कर दिया था। अब इस मार्शल लॉ में होता क्या है? तो मार्शल लॉ में जो सेना है, सेना द्वारा प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है। यानी देश में जो सरकार है, वह सरकार की पावर पूरी तरह से क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और जो सेना होता है, सेना को जो जनरल होता है, वो सारा पावर सेना के जनरल के पास चला जाता है। यानी सेना जितना भी प्रशासनिक कार्य है वो सेना देखती है, जितना भी न्यायपालिका वाला काम है वो सेना देखती है, ये दोनों ही नियंत्रण सेना के पास चलाता है। और जब भी इस देश, किसी भी देश में इस प्रकार का कार्य होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? मार्शल लॉ कहते हैं। तो आपको मार्शल लॉ समझ में आ गया होगा। भारत देश में भी मार्शल लॉ बहुत बार लग चुका है, 3-4 बार, जिसमें से एक बार आपको याद होगा कि जब अंग्रेज यहाँ पर थे तो देश में मार्शल लॉ लगा था, और उस समय हमारे देश में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से जरूर देखिएगा। तो यह था आपके सवाल का जवाब, और ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट्स को, और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।